वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। आज हम बात करने वाले इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या समझ आता है, किसी चीज़ का ट्रांसफर किया जा रहा है। तो देखो, इट ऑपरेट्स ऑन ए सिंगल पिक्सल एंड इमेज फॉर पर्पज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मैनिपुलेशन एंड इमेज थ्रेशोल्डिंग। यानी कि ये सिंगल पिक्सल को ऑपरेट करते क्यों करते हैं, ताकि ये कॉन्ट्रास्ट मैनिपुलेशन कर सके और इमेज थ्रेश होल्डिंग दोनों को अप्लाई कर सके। इमेज थ्रेश होल्डिंग बोल सकते हो कि बाइनरी इमेज पाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट मैनिपुलेशन कर सकते हो कि आपकी रेंज को बढ़ाने के लिए, डायनेमिक रेंज को बढ़ाने के लिए दोनों चीज़ यूज करते हो। तो इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। अब इसके तीन फंक्शन होते हैं। उससे पहले मैं बात कर लूँ, इसको शो कैसे करते हैं, एस इक्वल टू टी ऑफ आर। आर आपका क्या है, इनपुट इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द आउटपुट इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाई एस एंड टी इज योर ऑपरेटर। सो देर आर सिंपली थ्री टाइप ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। फर्स्ट वन इज योर लीनियर, सेकंड वन इज लॉगरिथमिक एंड थर्ड वन इज योर पावर लॉ। आज लीनियर में भी दो आते हैं, नेगेटिव के केस में बात करो या आइडेंटिटी के केस में बात करो। लॉगरिथम में आता है आपका लॉग या इनवर्स लॉग, एंड इसमें nth पावर और n पावर, तीनों ही कमाल की चीज़ें, ध्यान से देखना आप। और डायग्राम जरूर जरूर बना के आएंगे एग्जाम के अंदर, वो चीज़ मत भूलना। और फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट वन है अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, इसके अंदर दोनों चीज़ बताई थी, नेगेटिव में और आइडेंटिटी में। तो नेगेटिव में देखो, नेगेटिव ऑफ एन इमेज विद इंटेंसिटी लेवल रेंज 0 to L-1 इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द नेगेटिविटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मूला सिंपली आ गया, एस इक्वल टू एल माइनस वन माइनस आर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। अब अगर R की वैल्यू मैंने रेंज बताई 0 या L-1, अगर 0 होगा तो यहाँ वैल्यू 0, तो S की वैल्यू क्या आएगी बताओ, L-1 यहाँ पे आ गई। R की वैल्यू L-1 होगी तो क्या होगा, S इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब L की मैंने वैल्यू मान लो 256 है, तो S की वैल्यू क्या होगी, 255-R, राइट। तो ये चीज़ होती है इसमें इमेज नेगेटिव के अंदर। अगर बात करूँ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो देखो इसके अंदर एक डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हमें क्या करना है, फॉर एनहेंसिंग वाइट और ग्रे डिटेल एम्बेडेड इन डार्क एरिया ऑफ एन इमेज। यानी कि डार्क एरिया जो इमेज का है उसके अंदर वाइट और ग्रे आपको एनहेंस करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम देख सकते हो, आर की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, L-1 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके L-1 तक। तो ये डायग्राम जरूर बनाए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वन इज योर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें लॉगरिथमिक आ गया और इनवर्स लॉग आ गया। तो पहले लॉग की बात कर ले, तो लो इंटेंसिटी वैल्यू आर मैप्ड इनटू द हायर इंटेंसिटी वैल्यू। यानी कि अगर लो इंटेंसिटी वैल्यू को हायर इंटेंसिटी वैल्यू के साथ मैप्ड कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो क्या होगी आपकी, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जिसका फॉर्मूला एस इक्वल टू सी लॉग 1+R। आर आपको पता है, एस आपको पता है, सी आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसका यूज क्यों किया जा रहा है अपने यहाँ पर लॉग को, ताकि अपन क्या कर सके कि किसी भी ग्रे कलर को या तो कंप्रेस कर दे, एक्सपेंड कर दे, या तो बढ़ा दे या कम कर दे। तो यही अपना टारगेट है। और इन्वर्स लॉग क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये क्या होगा, लॉग का जस्ट अपोजिट होगा, तो क्या होगा, ये लो कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये लॉगरिथमिक वाला क्या कर रहा था, हाइयर वाला कर रहा था, और इसमें क्या करेगा, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज शो कर रहा है। तो इसका डायग्राम देख लो, देख पा रहे हो आपकी, इसकी रेंज देख पा रहे हो कैसे ये आ रहा है, ओके, लॉग से लेकर इनवर्स लॉग तक आया, समझे, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला एस इक्वल टू सी आर की पावर गामा। गामा इज ए कॉन्स्टेंट एंड सी इज योर कॉन्स्टेंट एट हियर। सो वी यूज गामा ट्रांसफॉर्मेशन वेयर वी नीड टू एक्सपेंड और कंप्रेस डार्कर रीजन। तो देखो, आपको डार्कर रीजन को एक्सपेंड करना है या आपको इसको कंप्रेस करना है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में। इससे पहले वाला लॉग वाला वो क्या कर रहा था, वो ग्रे लेवल के लिए कंप्रेस और एक्सपेंड कर रहा था, इसमें डार्कर के लिए यूज किया जाएगा। अगर गामा की वैल्यू 1 होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा बढ़ती गई तो यहाँ पर ये ब्राइटर को कंप्रेस कर देगा, ब्राइटर कंप्रेस करेगा तो एट द एंड क्या होगा, डार्क बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार गामा की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये एक्सपेंड कर देगा डार्कर को, यानी ब्राइट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखो, आइंस्टीन का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देख पा रहे हो। तो जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ती जा रही है ये डार्क होता जा रहा है, जैसे जैसे गामा की वैल्यू कम होती जा रही है ये कम होता जा रहा है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसका डायग्राम देख लो, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा यूजफुल हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का, ठीक है, खींच लिया। तो ये थे अपने तीनों ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने बात करी लीनियर की, बात करी लॉग की,
और बात करी पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये क्वेश्चन जरूर जरूर पूछ लिया जाता है कि इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, डायग्राम बताओ सूटेबली, और अच्छे खासे 10 नंबर वाले में या 15 वाले में भी कई बार आ जाता है, तो आई थिंक आप कर लोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।